आप सबके लिए गुड न्यूज है क्योंकि ये फोन मैं गिव अवे करने वाला हूँ, इन्फिनिक्स S5 लाइट। यस गाइस, हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर सीइंग राज रिव्यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस फोन के बारे में। यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस फोन का फुल रिव्यू आपको देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यू नहीं, ये लॉन्ग टर्म रिव्यू होंगे। यस गाइस, ये फोन मैंने बहुत दिन यूज करी है, लगभग मैंने 3-4 महीने इस फोन को यूज करी है और अभी तक यूज कर रहा हूँ एज ए सेकेंडरी फोन। यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल बात करेंगे इस फोन के बारे में, क्या ये फोन 8,500 रुपया में लेना चाहिए या फिर नहीं है, और इसमें आपको 500 डिस्प्ले मिलता है, इसलिए 8,500 रुपया में कई कई लोग तो लेना चाहते हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इन्फिनिक्स S5 लाइट के प्राइस के बारे में। ये जब मैंने लिया था तब ये 8,000 रुपया में लिया था और अभी 8,500 रुपया हो चुका है और ये फोन अभी आउट ऑफ स्टॉक भी है फ्लिपकार्ट में। ये गाइस, इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से डिजाइन आपको देखने को मिलता है, काफी अच्छा है। इसमें सबसे खास यही है कि इसमें आपको 500 डिस्प्ले देखने को मिलता है, 8,500 रुपया में आपको 500 कैमरा देखने को मिलेगा, ये काफी अच्छा पॉइंट है। यस गाइस, राइट साइड में आपको वॉल्यूम ब्रोकर एंड पावर ऑफ बटन देखने को मिलता है और ऊपर के साइड आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए देख सकते हो, और नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी देखने को मिलता है, हेडफोन जैक मिलता है और माइक देखने को मिल जाता है। यस गाइस, नीचे की साइड आपको ईयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आप बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर स्पेक्स के बारे में। गाइस, इसमें आपको नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट के नीचे आपको इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और नीचे आपको डिजिंग बाय इन्फिनिक्स एयरबड, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है और उसी के साथ आपको क्वाड फ्लैश दिया गया है। गाइस, इसमें आपको 4 फ्लैश देखने को मिलेगा और फ्लैश पावर आप 2 डिवाइड कर सकते हो 2 भाग में। यस गाइस, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखो बाकी फोन में क्या होता है, फ्लैश लाइट एक ही बार जलता है और इसमें आप फ्लैश लाइट पावर कमा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, दिखा देते हैं आप सबको, देख लीजिए पहले। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले देखो फ्लैश लाइट 1 पे है और उसके बाद ये देखो 2 में है, काफी अच्छा इंक्रीज हो जाता है फ्लैश लाइट। यहाँ पर दोस्तों फ्लैश लाइट को लेकर कोई भी परेशानी नहीं, फ्लैश लाइट जो है काफी अच्छा है, एक टॉर्च के बराबर काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कैमरे के बारे में, आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, इसमें आपको 16+2+ लो लाइट सेंसर देखने को मिलेगा, इसमें आपका जो 16 है वो आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगा आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए देखने को मिलेगा, और रियर में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो भी 500 के साथ। यस गाइस, कैमरा भी काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बॉडी के बारे में। गाइस, इस फोन में जो बॉडी दिया गया ना ये बिल्कुल भी हल्का है, यहाँ पर देखो प्लास्टिक की बॉडी है और सामने की तरफ भी आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही हल्का है। यहाँ पर देखो मेरा ये फोन थोड़ा सा यहाँ पर फट चुका है और फटने के बाद कभी कभार टच वर्क नहीं करता है, इस पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाया हुआ, वैसे भी प्रोटेक्शन नहीं है, आगे भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए ये फोन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये फोन थोड़ा सा भी गिर जाएगा ना तो फोन टूट जाएगा। यहाँ पर जो स्टिकर लगा था ना, पहले जब मैं स्टिकर निकाल रहा था तब भी ये जो स्किन है ना ये ऊपर निकल आ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके उठाया मैंने उसको, और काफी अच्छा लाइट वेट है। अगर देखो मेरे हिसाब से 150 ग्राम के आसपास होंगे, ये फोन काफी लाइट वेट है। तो इस फोन में आपको XOS लॉन्चर देखने को मिलता है और ये फोन आपको एक ही ब्रांड में मिलता है 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलता है। यहाँ पर गाइस, मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये फोन एक दिन नहीं चलता है। मेरे हिसाब से अगर रियलमी या फिर MI के फोन से कंपेयर करोगे तो ये बैटरी लाइफ काफी खराब है, बैटरी लाइफ एक दिन भी नहीं जाता है। सो बैटरी लाइफ काफी खराब है, अब आप डिसाइड करो ये फोन आपको 8,500 रुपया में लेना चाहिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो खाली 500 के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो चॉइस, इसमें कोई भी लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आप इन्फिनिक्स की फैन हो तो ये फोन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए ये फोन को। और दोस्तों इस फोन के बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सिंपली आपको एक फोन देखने को मिलेगा और ऊपर लगाने के लिए एक पेपर देखने को मिलेगा और 10 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलेगा, कोई भी ईयरफोन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा और कुछ यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई भी टेम्पर ग्लास नहीं लगाया जा सकता है, अगर आप लगाओगे तो लगा सकते हो लेकिन इसके लिए पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और नहीं लगा के चलाओगे तो ये फोन चलाने में बहुत ज्यादा रिस्क ही होने वाला है। सो गाइस, ये थी इन्फिनिक्स S5 लाइट के फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये फोन लेना आपका मर्जी, अगर आपको अच्छा लगे तो ले भी सकते हो, ना अच्छा लगे तो मेरे हिसाब से नहीं लेना बेहतर है। और दोस्तों ये फोन आप में से किसी को मिलने वाला है क्योंकि मैंने मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम किसी को फोन गिफ्ट करने वाला हूँ, आप में से किसी विनर को मिल जाएगा ये फोन। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो में कमेंट कर देना है और एक लाइक कर देना है, और जब मेरे ये वीडियो में 2000 लाइक पहुंच जाएंगे तो ये फोन आप में से किसी एक को मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। यस गाइस, सो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी विनर में पिक करने वाला हूँ।